नमस्कार दोस्तों, ड्रूपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक नया व्यू इंटीग्रेशन। व्यू के थ्रू ही एक हम लोग नई चीज़ करेंगे। वो नई चीज़ ये है कि व्यूज अकॉर्डियन। इसमें हम लोग इस तरीके का, जो कि एग्जांपल में आपको दिखाया हुआ है कि आपको काफ़ी वेबसाइट में इस तरीके का दिखेगा कि ये अकॉर्डियन कैसे बनते हैं। तो ये अपना ये समराइज हो जाता है दोस्तों, कम जगह में हम लोग ज़्यादा कंटेंट अपनी वेबसाइट में दिखाते हैं, तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है और यूज़ भी होता है। तो इसको हम लोग कैसे कवर करेंगे, इसको देख लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले सेम हमेशा की तरह मॉड्यूल डाउनलोड करके अपने लोकल मशीन में इंस्टॉल कर लेंगे और इसको इनेबल कर लेते हैं। ठीक है, तो इनेबल करने के लिए मॉड्यूल में चलते हैं, और जो कि हमने बताया कि ये व्यू के थ्रू बना रहे, तो ये जो पैकेज हो जाएगा व्यू व्यू में ही चला जाएगा। तो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ रहा होगा, ये रहा व्यू अकॉर्डियंस, तो इसको हम लोग इनेबल कर लेते हैं। इनेबल हो गया दोस्तों, व्यू के थ्रू है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें एग्जांपल के लिए कि कैसे यूज़ करें, एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो ऐड व्यू, उसके बाद इसका नाम भी यही रखेंगे, अकॉर्डियन। ठीक है, और हम लोग किस पे अप्लाई करेंगे, आर्टिकल पे, और हम लोग इसको, हाँ, इसका पेज बनाएंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम लोग जब भी आप इंस्टॉल करेंगे अकॉर्डियन व्यू, तो यहाँ पर जो डिस्प्ले फॉर्मेट है वो आपको सेलेक्ट करना है, व्यूज़ अकॉर्डियन। तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, व्यूज़ अकॉर्डियन। ठीक है, उसके बाद फील्ड्स ले लीजिए, ताकि हमें फील्ड्स यूज़ करनी है। ठीक है, कंटिन्यू एंड एडिट करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास जो देखिए नीचे जो हमारा बन रहा है वो इस तरीके से बन गया दोस्तों। इसमें दो चीज़ मेन होती हैं, एक हमारे पास टाइटल और उसकी बॉडी, जो भी हम बॉडी में दिखाना चाहते हैं। तो दो चीज़ तो इसमें मस्ट हैं, तो दो चीज़ हम लोग उसमें ऐड करेंगे। तो हमने सबसे पहले, हमारे पास टाइटल आ गया। ठीक है, तो एक फील्ड ऐड करते हैं, बॉडी। लेबल नहीं चाहिए हमें। ठीक है, ट्रिम कर देते हैं, 600 करेक्टर चलेगा। और उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं, नीचे देख लेते हैं कैसा हुआ। ये देखिए, ये इस तरीके से, ये देखिए। ठीक है, और इसमें कुछ लुक वाइज अच्छा करने के लिए इसमें हम लोग ऐड करेंगे पोस्ट डेट। लेबल नहीं चाहिए, साइज़ वही रखेंगे, यहाँ पर सेव करेंगे, पोस्ट डेट आ गया। ठीक है, और हम लोग ऐड करेंगे एक कंटेंट लिंक। ठीक है, कंटेंट लिंक, लिंक सेलेक्ट, लेबल में आप क्या दिखाना चाहते हो, रीड मोर, रीड मोर, सेव, बटन भी आ गया यहाँ पास, ये देखिए रीड मोर। ठीक है, अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था ये हमारा। अब दोस्तों इसमें देख लेते हैं कि ये कैसा दिखता है, सेव करते हैं। और जो हमारा जो व्यू पेज है, इसके थ्रू हम लोग क्लिक करके इस पेज पर जाएंगे, अकॉर्डिंग देखिए, ये देखिए, ये इसका टाइटल आ गया, ये इसकी बॉडी, और ये जो हमने पोस्ट डेट या ऐड किया था कब ये पोस्ट हुआ है आर्टिकल, ये था, ये देखिए। ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस में भी यही चीज़ रहेगी। ठीक है, और इसकी सेटिंग देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक चीज़ और ये है हमारे पास सेटिंग्स, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है, काफ़ी कुछ डिफ़ॉल्ट है, और यहाँ पर आपकी जो ऑटो हाइट है वो है। अगर आपको ऑटो हाइट नहीं चाहिए तो आप इसको हटा देंगे। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, हम देख लेते हैं। ठीक, ऑटो हाइट आ रही है। ठीक है, अभी हम लोग उसको यहाँ से हटा के सेव कर देते हैं। ठीक, सेव, सेव, रिफ्रेश। अब देखिए, ठीक,
अभी आर्टिकल की जितनी हाइट होगी वो उतनी लेगा, बड़ा है तो बड़ा होगा, छोटा है तो छोटा होगा। अगर ऑटो हाइट आप यूज़ करेंगे तो वो जो स्पेसिफिक या फिक्स्ड बोलें तो हाइट होगी तो वो उतना ही दिखाएगा, बाकी में स्क्रॉलिंग आ जाएगी। ठीक है, तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट कि आपको अगर बड़ा नहीं करना है या छोटा नहीं करना है तो आपको ऑटो हाइट यूज़ करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद और देख लेते हैं यहाँ पर एनिमेशन इफेक्ट हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ। तो हम लोग स्विंग देखते हैं कैसे होता है, ये अप्लाई किया, सेव किया, ठीक है, रिप्रेस किया, ये देखिए कुछ आपको दिखा होगा ये इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए स्टाइल एनिमेशन एनिमेशन ऐड हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये देखिए एनिमेशन ऐड हुआ, ये देखिए। ठीक है, और भी इसमें आप जो भी एनिमेशन आपको यूज़ करना है या अच्छा लगता है वो यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, एक दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ माउस होवर इवेंट। अभी क्लिक इवेंट पे हम लोग कर रहे थे, अभी माउस होवर इवेंट देखिए। अभी क्या होगा, हम जैसे ही माउस ऊपर ले जाएंगे तो वो ओपन हो जाएगा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, तो जैसे भी आपको यूज़ करना है, वैसे क्लिक ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि माउस थोड़ा सा, अभी मैं माउस ले भी नहीं गया तब से, तो अच्छा लग रहा है, लेकिन क्लिक इवेंट ज़्यादा अच्छा है। जो जैसा भी आपको यूज़ करना है वो यूज़ कीजिए। ठीक है, और यहाँ भी कुछ सेटिंग्स हैं वो भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये था कि हम लोग कैसे अपने वेबसाइट में कैसे हम लोग व्यू अकॉर्डियन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी स्टाइल्स हैं, आप लगा के देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था कि हम लोग कैसे अपनी वेबसाइट में व्यू अकॉर्डियन यूज़ कर सकते हैं। आप इसके थ्रू आपको अगर इसको आपको उसमें दिखाना हो किसी पेज पे, ये तो मैंने पेज बनाया व्यू के थ्रू, आपको अगर बल्क और आपको अगर यहाँ पर ब्लॉक बनाना है कि आप किसी रीज़न में दिखाना है तो भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ नहीं, आपने पेज बना दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सिंपल ऐड किया, ब्लॉक किया, ठीक, ये आपका ब्लॉक बन गया सिंपल। ठीक है, सेव कीजिए और आपके यहाँ पर ब्लॉक लिस्ट में आ जाएगा और उसको अपने कहीं भी रीजन में आप दिखा सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।